दोस्तों व्यूज बढ़ाने का कुछ फैक्ट होता है दोस्तों, उस फैक्ट को जब तक आप नहीं करते हैं तब तक आपका व्यूज नहीं बढ़ने वाला। तो वो क्या फैक्ट है दोस्तों, इस वीडियो का आपको देखना पड़ेगा। मैं अगर बताऊं तो ऐसा वीडियो अभी तक यूट्यूब पे शायद कोई नहीं आपको बना के दिया होगा, जो कि मैं इसमें व्यूज के ऊपर ही मतलब कंप्लीट गाइड मतलब आपको बताया हूँ कैसे मतलब व्यूज बढ़ता है दोस्तों। और उसको मैं अप्लाई भी करता हूँ अपने चैनल पर, अप्लाई करके रियलाइज करके देखता भी हूँ, हाँ बढ़ता उससे, तभी मैं आपको मतलब वीडियो ये बना के दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से मतलब व्यूज कुछ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 10 व्यूज आता होगा तो अगर वो चीज़ आप वो जो फैक्ट मैं बताने वाला हूँ आप अगर वो करते हैं अगला वीडियो में, उसमें हो सकता है कि आपका 30 से 40 50 व्यूज भी मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 30 40 तो आराम से आ जाएगा, 10 अगर जहाँ आता होगा वहाँ पर दोस्तों। तो कैसे होता है चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। उसके लिए कुछ फैक्ट मैंने बताया था, जो कि फैक्ट नंबर 1 थंबनेल होता है दोस्तों। इसमें टोटल चीज़ें बताऊंगा और लास्ट में एक चीज़ और मैं बताऊंगा कैसे मतलब उसको स्क्रीन दिखा करके आपको बताऊंगा कैसे उसको करना है, ठीक है, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे फैक्ट नंबर 1 में हम आते हैं तो थंबनेल दोस्तों हमारा होता है, ठीक है। अब नए यूट्यूबर हमारे क्या कर रहे हैं भाई, वन बस जैसा तैसा वीडियो उठा रहे हैं, थंबनेल उठा करके जैसा लैसा लगा कर डाल दे रहे हैं, उस टाइप का थंबनेल में दोस्तों व्यूज आना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। दूसरा नंबर आता है हमारा वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन। दोस्तों ये चीज़ क्या होता है, ये होता है दोस्तों जैसे कि हम 5 मिनट का वीडियो कोई बना रहे हैं, तो अगर हमारा वीडियो को जो भी ऑडियंस आए 3 मिनट तक अगर देख लेता है उस वीडियो को, और उसका थंबनेल एकदम बेटर रहेगा, मस्त रहेगा दोस्तों, ठीक है, मतलब क्लिकेबल थंबनेल, तो मैं 100% लिख के देता हूँ गारंटी के साथ कि उस वीडियो को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, रोकने से वो वीडियो नहीं रुकेगा, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा मिला जुला कि यही है कि आप जो भी वीडियो बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि 10-15 मिनट 50 मिनट का वीडियो बनाना है, जितना आपका जो वीडियो आप बना रहे हैं जितना में आप समझा के निकल पा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आप निकल लीजिए। अगर आपका 2 मिनट का वीडियो बनता है दोस्तों और समझा रहे हैं 2 मिनट, पॉइंट टू पॉइंट अगर बात कर रहे हैं आप, पॉइंट टू पॉइंट मतलब समझिएगा बात को, मतलब कि जो भी ऑडियंस है ना वो ना स्किप कर पाए और ना ही छोड़ के आपके वीडियो को हट पाए, उसको मतलब देखना ही पड़ेगा वो चीज़, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो का मतलब यही होता है, ठीक है। अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर 2 मिनट आप समझाते हैं दोस्तों, 2 मिनट का वीडियो बनाते हैं और कोई ऑडियंस आता है उसको हट नहीं पाता देख करके, मतलब देखता ही रह रहा चला जाता है वो, ठीक है, छोड़ नहीं पाएगा उसको, ओके, तो वो वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बिल्कुल हाई हो जाएगा। मगर एक चीज़ और उसमें डिपेंड करेगा कि थंबनेल, अगर आपका थंबनेल सही रहा, क्लिकेबल थंबनेल, तब क्लिकेबल थंबनेल क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि इस वीडियो को आप देखने आए होंगे तो मैं क्या क्या लिखा हूँ, जिनका मतलब व्यूज नहीं आता होगा वही ये वीडियो को देखे। अब आपको पता होगा दोस्तों कि व्यूज हो गया, पैसा हो गया, ये सब जो होता है ना कभी किसी के पास ज़्यादा नहीं होता, जितना भी पैसा आप कमा लीजिए कभी भी कम ही रहेगा, आप हमेशा पैसा के पीछे भागते रहेंगे। तो व्यूज भी यूट्यूब पर उसी टाइप का, आप जितना भी व्यूज आपका क्यों ना आ जाए, 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख व्यूज क्यों ना आ जाए, मगर आगे भी आपका सोच यही रहेगा कि यार कुछ और व्यूज आ जाता, कुछ और आ जाता, मतलब उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा थंबनेल में, जिनका कम व्यूज आता है वही वीडियो को देखेंगे, तो भाई फट से देखने के लिए लोग आ जाएंगे। ये चीज़ होता है दोस्तों क्लिकेबल, ज़्यादा क्लिकेबल नहीं करना है, मतलब कि ऐसा मत बना दीजिए कि मतलब मिसलीडिंग टाइप का हो जाए पूरा, उस टाइप का नहीं थंबनेल चाहिए, ठीक है, मगर चाहिए ऐसा कि लोग क्लिक भी करें। आजकल क्या है ना, 21 तो बीत गया दोस्तों, 22 आ गया 2022, ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा मारामारी कंपटीशन हो गया है ना, इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा, इतना ईमानदारी दिखा के अगर थंबनेल बनाएंगे ना कि जो वीडियो में वही चीज़ इसमें दिखाएंगे तो बहुत कम ही लोग क्लिक करेंगे। मैं उस चीज़ का आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कैसे क्या करना, बाकी जो लास्ट में मैं बताया था क्या आपको कैसे लगाना है, ठीक है, वो चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, जस्ट ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन कर लिया हूँ। अब देखिए अपने YT स्टूडियो में आता हूँ, ठीक है, ये YT स्टूडियो होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं एनालिटिक्स में क्लिक किया हूँ, ठीक है। अब नीचे देखिए कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये 624 व्यूज रियल टाइम में अभी दिखा रहा ना, 48 घंटे में 624 व्यूज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं क्या किया हूँ, मैं देखिए यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा था कि लास्ट में बताऊँगा उस चीज़ पॉइंट को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए ये 2 वीडियो है दोस्तों यहाँ पर, लाइव स्ट्रीम, अब इन दोनों का मैं दिखाता हूँ क्या है। ये है लगभग मैं कितना दिन पहले का वीडियो है, ये 103 दिन पहले का वीडियो है, इसमें देख सकते हैं 1150 व्यूज, कैसे आ रहा है व्यूज ये दिखाता हूँ मैं आपको। नीचे देखिए इसका ऑडियंस रिटेंशन 31%, ज़्यादा नहीं है, मैं तो आपको 50% बोला, उससे मतलब बिल्कुल हाई हो जाएगा, कहीं रुकना ही नहीं वीडियो को, इसलिए मैं बोला था, ठीक है, इसका 31% है। मगर इसका देखिए मेन रीज़न क्या है, यूट्यूब सर्च, मतलब कि 48 घंटे में 58 व्यूज यूट्यूब सर्च से सिर्फ आया, बाकी 66 व्यूज इधर उधर करके आ गया। ओके दोस्तों, इसका क्या मतलब, मैं मतलब दिखा क्यों क्यों रहा हूँ आपको ये चीज़ को, देखिए एक वीडियो ये हो गया, ठीक है, 1150 व्यूज। अब दूसरा वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट ये देखिए, अब इन दोनों का अगर आप टाइटल देखेंगे दोस्तों, दोनों का टाइटल सेम है, मैं क्यों सेम डाला आखिर में, इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखिए एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ, ये मतलब फिलहाल ही का वीडियो है, ज़्यादा दिन का नहीं होगा, ये करीब में कितना दिन का है,
ये 31 दिसंबर का वीडियो है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मतलब है, यूट्यूब सर्च से देख सकते हैं, यहाँ पर व्यूज कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये यूट्यूब सर्च से, क्यों आ रहा है, मेरे को कैसे पता चला कि आखिर ये वीडियो सर्च से आएगा, ऐसा टाइटल लगाएंगे तो, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए होता है एनालिटिक्स दोस्तों, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ रीच पे आपको जाना है, चैनल के रीच पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब टॉप यूट्यूब सर्च टर्म में जब आप आएंगे ना, यहाँ पर इसमें देखिए सारा कुछ दिखाता है कि लोग अभी क्या सर्च करके आपकी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च किया है सर, उस पर जो मैं टाइटल उसमें लगाया था ना, उस वीडियो में अभी जो 31 दिसंबर का मैं बनाया हूँ और जो 103 दिन पहले का था, उसका टाइटल में देखा कि उसको लोग सर्च कर रहे हैं, उसी टाइप का वीडियो को सर्च कर, मैं फट से उठा उसी टाइप का वीडियो बना के वही टाइटल वही टैग एकदम डाल के उठाकर डाल दिया उसमें, तो उससे क्या वो भी सर्च में आना स्टार्ट हो गया, और भी वीडियो सर्च में आता है, देख सकते हैं आप। ये सब सर्च का कमाल है दोस्तों, ये है ना, क्रोम से कैसे ये करें, यूट्यूब पर मेरा वीडियो अपलोड कैसे करें, इसका देखिए 6,749 व्यूज कैसे आता है, इसका देखिए सर्च से आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूट्यूब सर्च 79, अगर टोटल आप देखेंगे यहाँ पर तो टोटल रीच में मैं आता हूँ, देख सकते हैं आप, यूट्यूब सर्च 72%, देखिए यहाँ पर है टोटल, है ना 72%। तो बस क्या है, आपको अपना वीडियो जब बनाना है तो ऑडियंस रिटेंशन पे ध्यान देना है, जितना भी आपका काम हो जाए उतना बना के छोड़ देना वीडियो, ठीक है, ज़्यादा उसको खींचने की जरूरत नहीं है। प्लस में थंबनेल आप ऐसा बना दीजिए कि 15% से ऊपर उसका क्लिक थ्रू रेट रहे, 15 अगर नहीं बना पाएंगे तो कम से कम 10 तो बनाइए, ठीक है, 10% होना चाहिए। अब वो कैसे बनेगा, आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, अगर वीडियो बनाने में 1 घंटा समय दे रहे हैं आप, उसमें 2 घंटा कम से कम समय दीजिए, मैं बोलूँगा थंबनेल बहुत ही जरूरी है, वो सही रहेगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका अगर ऑडियंस रिटेंशन हाई है, वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात किए हैं तो आपका व्यू जाएगा ब्राउज फीचर से। अगर जो आप मैं बताया इसमें कि आपको अगर यहाँ पर देख लेना टॉप यूट्यूब सर्च टर्म में, अगर उसी टाइप का वीडियो भी बनाते हैं वैसे ही उठा के यहाँ से टाइटल टैग लगा देते हैं तो उसमें फिर सर्च से भी आपका मतलब व्यू जाएगा, अब क्या चाहिए यार, ठीक है। बस यही कुछ जानकारी था दोस्तों, अगर ये सब आप काम करते हैं 100% आपका व्यू जो है कि बढ़ जाना, अगर 10 आता है मैं बोला ना 40-50 आराम से आएगा, ठीक है, और पर डे भी आएगा, अगर सर्चेबल वीडियो बना देंगे तो पर डे आएगा, ऐसा तो सर्चेबल नहीं रहेगा तो एक दिन बस जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना व्यू जाएगा, बाकी काम वहाँ से खत्म हो जाता है, ब्राउज फीचर से थोड़ा मोड़ा आता है, तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 ही चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है यूट्यूब पर, 3 के सिवा और कहीं आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, ओके दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो पूरा फुल समझ में आ गया होगा, और कुछ अगर ना समझ में आया तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एकदम फटाक से जाकर उस पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, जब मैं देखूंगा तो आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा, ओके दोस्तों। तो फिर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का इन्फॉर्मेशनल वीडियो यहाँ बनता रहता है दोस्तों, ऑन करेंगे तभी तो मैसेज जाएगा आपके पास ना, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट।